अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर यासिर, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बॉक्सिंग क्यों शुरू की, क्या टारगेट है आपको? बॉक्सिंग लड़ना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त आप जो है 40 प्लस हैं, और 40 प्लस जो है 40 ईयर जो है एमेचर बॉक्सिंग के अंदर लास्ट एज है कि 40 से ऊपर का बंदा बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। आपने इस उम्र में क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि मैं बॉक्सिंग खेलूँगा? मैं शुरू से टोटल बॉडी वर्कआउट जो हमारी स्केलेटल मसल्स जो हमारे पट्टे हैं इन लोगों के बोलते हैं वो हमारे बॉडी को पट्टे पर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, इसको मेडिकल तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हैं। बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में जाऊँगा तो वो जो मसल है उनका टोन होना, उनका स्ट्रॉन्ग होना, उनके अंदर पावर आने के लिए हमें वेट को लिफ्ट करना पड़ता है ताकि मसल की हाइपरट्रॉफी हो, स्ट्रेंथ बनने के अंदर आएगी। कार्डियो में इसलिए करते हैं कि हार्ट मजबूत हो, हार्ट मस्कुलर हो, हार्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए ताकि आगे बड़ी एज में जाके हमें कार्डियो फेलियर। क्योंकि आमतौर पर मामला ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जिम जाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग जिम्स में जाते हैं, तो आप रिकगनाइज़ करेंगे एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या 40 प्लस बंदे को वेट लिफ्टिंग करना ज़्यादा बेहतर है या बॉक्सिंग करना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि वो कार्डियो के लिए बहुत अच्छी है बॉक्सिंग, और फिटनेस और पावर के लिए। जी मैं कहना चाहूँगा कि बॉक्सिंग करें, बॉक्सिंग कार्डियो के अंदर आती है, उसमें ये होता है कि हम जब मेहनत करते हैं हमारी एनर्जी खर्च होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है ना, जब वो खर्च हो जाती है तो फिर हम एक्स्ट्रा एनर्जी ऑक्सीजन ले रहे हैं, बदले में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर तेज़ी से बिल्डअप हो रहा है। जैसे अभी मैंने कार्डियो किया, बॉक्सिंग ट्रेनिंग की, ऑब्वियसली मेरे सामने कोच बैठे हुए हैं मेरे, तो अब ये पोजिशन ही मेरी है कि हार्ट बीट यानी मेरा जो कार्डियो रेट है वो बढ़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बिल्डअप होना शुरू हुआ जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करता गया, तो ब्रेन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, तो हार्ट तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर।